खबर है राजस्थान से, जहां सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी हत्या कांड के मामले को लेकर सर्व समाज के लोग न्याय दिलाने की मांग को लेकर आगे आए। बता दें कि जयपुर में हुई हत्याकांड के बाद आमजन में आक्रोश दिखाई दे रहा है। सर्व समाज के लोग हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग को लेकर आगे आए। राजपूत समाज के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए श्री माधोपुर शहर में व्यापारियों ने एकजुट का परिचय देते हुए बाजार को बंद किया। साथ ही पंचायत समिति कार्यालय के बाहर सर्व समाज तथा राजपूत समाज के लोग एकत्रित होकर स्टेशन रोड होते हुए अस्पताल चौराहे पर बैठकर विरोध जताया। बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के तुरंत बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मर्डर केस में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या पाकिस्तानी ने कराई। उनको पाकिस्तान लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राजस्थान से संवाददाता दीप सिंह राजपुरोहित दाखा की रिपोर्ट। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी जो राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष है, कल दोपहर के बाद में उनका अज्ञात लोगों ने फायरिंग के द्वारा जो उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। इसी संबंध में आज दाखा गाँव जो की हालोत्रा के पास पड़ता है, तो सभी 36 कौम के लोग आकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन जताया है। इन सबकी ये मांग है कि सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के जो हत्यारे हैं, उनका जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी फांसी सजा सुनाए या एनकाउंटर करें। इन सभी को संतुष्टि मिलेगी और उन दिवंगत आत्मा को पूरा शांति प्रदान करें। हमारे श्रीमान सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की जो हत्या हुई है, उनको लेके हमने आज बुद्धा ग्राम पंचायत में हड़ताल रखी है और 36 कौम के लोग यहाँ आए हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो उनके हथियारों ने हत्या की है, उनकी या तो फांसी हो या फिर उनका एनकाउंटर किया जाए। उनका यही निर्णय रहेगा। आज पूरा मार्केट भी बंद रखा है हमने और विरोध जताया फुल, तो उसके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारे दादा का जल्दी उसको निर्णय मिले। धन्यवाद।